Hey guys, it's Janath. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. तो गाइज जैसे कि आप लोग कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि हम चंडीगढ़ से हैं. आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जिसमें इस्लामाबाद और चंडीगढ़ के बीच में कंपैरिजन किया गया है. आई थिंक हमने इस्लामाबाद के भी काफी सीन्स देखे हैं एंड आप लोगों ने भी चंडीगढ़ के कुछ सीन्स देखे होंगे अगर आप हमें फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे. सो यू मस्ट हैव सीन दिस इंस्टाग्राम हैंडल. सो यू मस्ट हैव सीन सम स्निपेट्स ऑफ चंडीगढ़ एंड हम लोग काफी स्टोरीज भी डालते हैं इंस्टाग्राम पे. इफ यू नॉट फॉलोइंग अस डू फॉलो अस. सो गाइज ये कंपैरिजन वीडियो है एंड वी आर होपिंग कि बहुत ही सही वीडियो होगी. जनक जी आई एम रेडी. चलें फिर. चलो लेट्स गो. सही तो सबसे पहले हम जानते हैं इस्लामाबाद के बारे में. तो 220 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है. एंड अगर नेचुरली देखा जाए तो इस्लामाबाद एक काफ़ी खूबसूरत और प्लैंड सिटी है जिसे 1960 के दशक में पाकिस्तान की नई राजधानी के तौर पे बसाया गया था. ये शहर 8 जोन्स में बटा हुआ है जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स, एजुकेशनल एंड कॉमर्शियल एरियाज और यहाँ का रूरल और ग्रीन एरियाज शामिल हैं. वहीं अगर यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस्लामाबाद का रोड नेटवर्क माना जाता है. यहाँ पर कई बड़े रोड इंटरचेंज मौजूद है जो कि इस सिटी के डेली ट्रैफिक को मैनेज करते हैं. इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस एक 24 किलोमीटर लंबी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि इस्लामाबाद को यहाँ के नज़दीकी शहर रावलपिंडी से जोड़ता है. इसके अलावा इस्लामाबाद रेलवे एंड एयरपोर्ट से भी वेल कनेक्टेड है. यहाँ का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो कि दुनिया भर के मेजर डेस्टिनेशन से जुड़ा हुआ है. एंड अब बात करते हैं यहाँ के इकॉनमी एंड डेटा के बारे में. तो अगर 2017 की रिपोर्ट देखें तो इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन 1.1 मिलियन की है एंड यहाँ की लिटरेसी रेट 87% पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट नंबर माना जाता है. वहीं 2021 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की टोटल जीडीपी 2.86 बिलियन US डॉलर की है जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 1% कंट्रीब्यूट करता है. एंड अब बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में. तो चंडीगढ़ इंडियन स्टेट पंजाब एंड हरियाणा सेम लग रहा है सच्ची बोल रही हूं. 114 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी भी है. ये शहर मेनली ग्रीनरी और यहाँ की खूबसूरत क्लाइमेट की वजह से द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है जिसे 1953 में भारतीय पंजाब की नई राजधानी के तौर पर बसाया गया था. बट आज के टाइम पे चंडीगढ़ कई रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल सेक्टर्स में बटा हुआ है. इसके साथ ही यहाँ का 30% एरिया सिर्फ लेक्स, गार्डन और फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है तथा यहाँ की ज़्यादातर स्ट्रीट्स को यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है. एंड अब बात करते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. तो चंडीगढ़ में भी आपको सेम इस्लामाबाद से मिलती जुलती सड़कें देखने को मिलेंगी. बस चंडीगढ़ में रोड इंटरचेंज की जगह पे राउंड बोट्स हैं जो कि गाड़ियों की ट्रैफिक फ्लो को बिना रोके हुए एक से दूसरी दिशा में डाइवर्ट करती है. वहीं यहाँ की सड़कों पर ज़्यादातर सीटीयू की सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें देखने को मिलेंगी. इसके अलावा ये शहर रेलवे एंड एयरपोर्ट से भी वेल कनेक्टेड है. यहाँ का शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का 19वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल द्वारा 2020 में एशिया का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिल चुका है. एंड अब जान लेते हैं यहाँ की इकॉनमी एंड डेटा के बारे में. तो 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ की टोटल पॉपुलेशन 1.6 मिलियन के करीब है एंड यहाँ के लिटरेसी रेट 86.77% की है. वहीं अगर हम 2020 की रिपोर्ट्स देखें तो चंडीगढ़ की टोटल जीडीपी 5.9 बिलियन यूएस डॉलर की है जो कि इंडिया की टोटल इकोनॉमी में 0.215% का कंट्रीब्यूट करता है. यहाँ दिल जीत लिया गाइस. ये थंबनेल होना चाहिए. बहुत सही. यहाँ दिल जीत लिया. हाँ
नाइस. सो गाइस, ऑल्दो वी आर अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स चंडीगढ़ क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमारी बहुत ही फेवरेट सिटी है, बट आई लाइक इस्लामाबाद एज वेल क्योंकि वो मुझे लगता है कि क्योंकि वो कैपिटल सिटी है इन पाकिस्तान का, इंडिया क्योंकि वो कैपिटल है पाकिस्तान का, इसलिए वो हाईली डेवलप्ड है नो डाउट. लेकिन चंडीगढ़ भी काफी क्योंकि वो कैपिटल सिटी है पाकिस्तान का, इसलिए वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है. चंडीगढ़ उतना आई थिंक डेवलप नहीं क्योंकि वो अभी सिर्फ एक स्टेट का कैपिटल है, बट अगर कंट्री का कैपिटल हो सो दैट इज अ ह्यूज ह्यूज डील. बट अगर हम ग्रीनरी देखें एंड सड़कें देखें तो वो काफी सिमिलर हैं, तो वो देखने में बहुत मजा आया हमें. आई रियली अप्रिशिएट द वीडियो एंड जो लास्ट में इंडिया एंड पाकिस्तान ने हाथ मिलाया, क्या बात किया है, क्या मजा आ गया. हाँ, आई थिंक मुझे दोनों सिटीज सिमिलर ही लगी हैं रोड्स के हिसाब से या सफाई भी के हिसाब से. क्लीन है तो चंडीगढ़ बहुत साफ सफाई में रहता है, और जो इस्लामाबाद के हमने इसमें देखे उसमें भी सारी सफाई थी. वो भी बात सही है कि वो कैपिटल सिटी है तो उसका थोड़ा ज्यादा, और वो बड़ी भी ज्यादा होगा इस्लामाबाद. नहीं, बड़ा साइज सिमिलर ही है दोनों का. अच्छा, बट हाँ मुझे दोनों जगह अच्छी लगी. और एक चीज और सिमिलैरिटी है कि दोनों की प्रॉक्सिमिटी टू माउंटेन्स बहुत पास में है, तो दोनों की प्रॉक्सिमिटी है. तो ये चीज भी एक सिमिलैरिटी है कि दोनों माउंटेन्स के पास हैं, इसलिए आई थिंक इनके थोड़े वेदर कंडीशंस भी सिमिलर रहते हैं. बारिश वारिश होती रहती है, ठंड भी ज्यादा. जब हम भी ड्राइव करते जाते हैं, एक पर्टिकुलर रोड है हमारे यहाँ पे, मध्य मार्ग बोलते हैं उसको, तो जब हम वहां से चल रहे होते हैं तो सामने हमें दिखते हैं माउंटेन्स, अगर क्लाउडी वेदर नहीं है तो वो बड़ा मजा आता है देखने में. तो इस वीडियो में हमने इस्लामाबाद में देखा वो, तो बड़ा सिमिलर लगा. सेम ही रोड लग रही थी वो 11 वाली. So guys, this was our reaction and we really hope that you liked it. And if you did, this video ko like kar do, us pe bahut sare comments kar do, hamare channel ko subscribe kar do. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.